Hello guys, good morning all of you. Today we have class 10 mathematics of exercise 3.5. In exercise 3.5 we already learned question number 1, 2, 3 and 4 ka first, second and third. Aaj hum log question number 4 ka fourth padhne ja rahe hain. To fourth ka fourth kya bol raha hai पढ़ा जाए पर प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे यानी कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर ठीक है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एक कार यहां से स्टार्ट हो रहा है और एक कार यहां से कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो मान लिया जाए कि यहां आकर के मिल जाएगा ये भी यहां आकर के मिलेगा ना तो मिल गया इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन डिफरेंस स्पीड दे मीट इन 5 आवर तो 5 घंटा मिलता है तो पर सपोज कर दीजिए लेट A speed of car A equal to x kilometer per hour. A speed of car B equal to y kilometer per hour. According to question कर देंगे. हाँ चलिए. Distance. ट्रेवल बाय कार ए इन 5 आवर में डिस्टेंस कितना कवर होगा तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना स्पीड इनटू टाइम स्पीड कितना है x इनटू 5 यानी कि 5x किलोमीटर अगेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 5 आवर ये भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम स्पीड कितना है वाई इनटू टाइम 5 आवर यानी कि 5 घंटा समझ में आ रहा है अरे 5 घंटा में 5x लेके 5 घंटा में 5x साइड पे हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस समझ में आ रहा है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाए वो हम लोगों का किस प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है तो ये आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ए द्वारा यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और बी जो है यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं तो डिस्टेंस ऑफ कार ए माइनस distance of car B equal to 100 हो जाएगा कि नहीं A द्वारा को distance कवर किया गया B वाला सबट्रैक्ट करेंगे तो A भी बचेगा यानी कि हो गया आपका 5x minus 5y equal to 100 यानी कि सबट्रैक्ट कर दिया कॉमन ले लीजिए x minus y equal to 5 से डिवाइड कर दें 20 इक्वेशन फर्स्ट अगेन Distance traveled by car A and B in 1 hour. अब 1 hour में क्या होगा? 1 into x and 1 into y. यानी कि x and y distance cover करेगा. 1 hour. तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है इधर से आ रहा है इससे ये इधर से आ रहा है इससे हम मिल गया अपोजिट डायरेक्शन है यानी कि ये इधर से इधर आ रहा है ये इधर से इधर से राइट और राइट से लेफ्ट तो ये दोनों आकर के यहां मिल गया तो यहां फाइंड हुआ तो
यदि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x plus y equal to कितना 100 इक्वेशन सेकंड तो यू कैन सॉल्व आंसर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से x और y का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी समझ में आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पढ़े तो आप सॉल्व कर लेंगे ना सॉल्व करके जरूर बताएंगे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं यही ना करनी है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट ब्रेथ इज रिड्यूस्ड इंक्रीज बाय 3 यूनिट तो डायमेंशन सपोज कर लीजिए लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स ब्रेथ y ये सब यूनिट में है एरिया कितना हो जाएगा x इनटू y ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया रेक्टेंगल का 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है यानी कम हो जा रहा है तो एरिया कितना है x डिवाइड करना है x स्क्वायर में से 9 रिड्यूस हो गया कम यदि लेंथ रिड्यूस किया गया 5 तो लेंथ कितना है x माइनस 5 एंड टू ब्रेथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट y प्लस 3 तो इतना हो गया x स्क्वायर माइनस 9 उसको सॉल्व कीजिए x में y से x y x में 3 से plus 3 x y में 5 से minus 5 y 5 में 3 से minus 15 equal to x y minus 9 x y से x y cancel 3 x minus 5 y equal to minus 9 या plus ये दर्जा करके 15 यानी कि 3 x minus 5 y equal to 6 equation first समझ में आ रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट आपका कौन क्या कितना 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 अगेन अब देखिए क्या कह रहा है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यानी लेंथ को 3 इंक्रीज कर दीजिए प्लस कर दिया एंड ब्रेथ बाय 2 और ब्रेथ को कितना 2 ही तो इसमें 2 का से जो मल्टीप्लाई कीजिए y प्लस 2 इंक्रीज कर दिया गया तो एरिया इंक्रीज बाय 67 तो एरिया में क्या होगा इंक्रीज होगा कितना 67 मल्टीप्लाई कर दीजिए x में y से x y x में 2 से 2x 3 में y से 3y 3 में 2 से 6 x y प्लस 67 x y से x y कैंसिल 2x plus 3y equal to 67 minus 6 2x plus 3y equal to 61 equation second तो आपका equation first और equation second बन चुका है अब आप इसके बाद सॉल्व कर लेंगे किसी भी प्रोसेस से किसी भी मेथड से तो आपका एक्सरसाइज 3.5 एंड हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 पढ़ेंगे तो आपको क्या आज का क्लास इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग